सुबह सुबह उठने के बाद अगर एक अच्छा म्यूजिक आपके कानों में हो तो दिन की शुरुआत ही अलग सी हो जाती है। और इसी केस में अगर आपको थोड़ा पोर्टेबिलिटी भी चाहिए तो उसके लिए आज की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ब्लूटूथ हेडफोन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ट्रेवल करते हुए, सुबह कोई काम करते हुए या फिर इवन एक्सरसाइज करते हुए, किसी भी केस में आप जो है म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए अपना काम कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। और इस केस में क्या है कि अच्छी साउंड क्वालिटी भी हो तो क्या बात है। और इसी केस में मुझे लगता है ये बोल्ड का प्रो बेस थंडर करके जो ब्लूटूथ हेडफोन है काफ़ी अच्छा सा ही लगता है देखने में। फिलहाल इसकी टेस्टिंग करने की बारी आ चुकी है। हेलो गाइज, आई एम विशाल एंड वेलकम टू अनदर टेक्स अंकल वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक ब्लूटूथ हेडफोन के बारे में जिसका नाम है बोल्ट प्रो बेस थंडर। और मुझे लगता है ये अपने आप में काफ़ी ठीक ठाक सा ही है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आपको अंत तक देखते देखते ये ज़रूर पता चल जाएगा कि 1200 के बजट में आपको ये ब्लूटूथ हेडफोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो आप बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये आता है कुछ इस तरह के बॉक्स में, और मेरा बॉक्स थोड़ा डैमेज हो गया आई थिंक डिलीवरी में। ये इस तरह से थंडर प्रो बेस बोल्ट ऑडियो करके ये जो है हमारे पास हेडफोन है, ब्लूटूथ हेडफोन। और अब हम इसे जो है अनरैप करते हैं कुछ इस तरह से। थोड़ा सील वगैरह भी ब्रोकन हो गई थी, मैंने फ्लिपकार्ट से एक्चुअली ऑर्डर किया था। आप अमेज़न वगैरह से भी ऑर्डर कर सकते हो, लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों का। और अब हम इसे इस तरह से कुछ ट्रे में निकालते हैं। आप देख सकते हो कि पैकेजिंग वगैरह वाइज ना थोड़ा ज़्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट सा लगा मुझे, लेकिन 1200 के ब्लूटूथ हेडफोन को कंसिडर करते हुए और साथ में इसकी और भी क्वालिटीज़ देखते हुए मुझे लगता है ठीक ही ठाक सा है। मेरा बॉक्स थोड़ा डैमेज हो चुका था, साथ में आपको इतनी सारी जो है यूज़र मैनुअल्स वगैरह मिल जाती है इसमें। और थोड़ा ब्रांडिंग वगैरह मार्केटिंग वगैरह करने के लिए इन लोगों ने कुछ चीज़ें और भी डाल रखी हैं जो कि अननेसेसरी ही हैं टोटल। और अब देखते हैं साथ में और क्या मिलता है हमें। ये जो है एक ऑक्स केबल मिलती है जो कि अपने आप में अच्छी बात है, मतलब बैटरी अगर ख़त्म हो जाती है तो उस केस में भी ये कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो हम टेस्ट करने के बाद पता करेंगे। और साथ में इसमें जो है आपको USB टाइप का केबल मिल जाता है, कोई चार्जर वगैरह नहीं मिलता, साथ में आपको नॉर्मल चार्जर से ही चार्ज करना होगा। और इस तरह से कुछ ये दिखता है बोल्ट ऑडियो करके जो है हेडफोन। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कॉल क्वालिटी, कनेक्टिविटी वगैरह कैसी है, और साथ में हम जानेंगे कि इसकी म्यूज़िक क्वालिटी कैसी है। तब उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये 1200 के रेंज में जो है अच्छा ब्लूटूथ हेडफोन है या नहीं है। तो अब जैसा कि इसकी अनबॉक्सिंग हो गई है, तो सबसे पहला जो कैटेगरी है इस वीडियो का हम उसकी तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बिल्ड क्वालिटी। और हम जानेंगे कि इसकी जो है टोटल बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और साथ में ये इसको हम टेस्ट भी करके देखेंगे कि बिल्ड क्वालिटी वाइज ये कैसा परफॉर्म करता है। बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे ना ये कुछ खास सा नहीं लगा। फिलहाल एक एक चीज को डिटेल में देखते हैं। पहली चीज तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये पूरा रबर फिनिश में आता है, तो ये थोड़ा सॉफ्टर साइड में है, तो हेड के ऊपर अगर आप ऐसे रखोगे ना तो थोड़ा कंफर्टेबल सा फील होगा। साथ में ये एक्सटेंडर लगा हुआ है जिसको आप थोड़ा इस तरह से कर सकते हो, मुझे थोड़ा टाइट ही लग रहा था ये, तो इस तरह से कुछ आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने हेड साइज के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम बात करते हैं इन कुशंस की। ये कुशंस काफ़ी सॉफ्ट हैं और मुझे लॉन्ग आवर्स तक भी यूज़ करने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हो रही थी ऐसी, बशर्ते थोड़ा गर्म हो जा रहा था, मेरा कान गर्म हो जा रहा था एक तरह से देखा जाए तो। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है इसका जो मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है वो उतना अच्छा नहीं है। उसके साथ में आप देख सकते हो कि ये जो है थोड़ा शेकी शेकी सा है, और अपने आप में ये ठीक ही डिज़ाइन है क्योंकि ऐसे आप अगर आप कान के ऊपर इसको रखते हो ना तो ये अच्छा रहता है एक केस में कि थोड़ा आपको कंफर्ट फील कराएगा। लेकिन मुझे एक इसके कुशन में एक ये प्रॉब्लम लगी कि आप जरा देखो इसे, अगर आप ऐसे थोड़ा ज़्यादा भी इसको खींच देते हो ना तो ये निकलने के चांसेस हैं। ये देखो ये निकल रहा है करके, तो अभी इस केस में क्या है कि अभी इसे अंदर डालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ा ख़राब क्वालिटी मैं कहूँगा क्योंकि इस तरह से अगर रहा तो ये आप कभी भी लूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ही लूज़ टाइप का है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है अगर आप इसे इंटेंसिवली यूज़ करते हो,
हो सकता है ये बाहर निकल के आ जाए बड़ी आसानी से। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसके बटन फीड के बैक वगैरह कैसे हैं। इसका बटन भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। आप अगर गौर से देखो ये थोड़ा शेकी शेकी सा ही है। अगर आप इसको ऐसे थोड़ा करोगे ना तो आप सुन सकते हो थोड़ा नॉइज़ आती है, वो इसके बटन की एक्चुअली नॉइज़ है क्योंकि बटन ना थोड़े प्रॉपर हिल रहे हैं ऐसे। साथ में अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो आप देख सकते हो काफ़ी टैक्टाइल फीडबैक उतना अच्छा नहीं है इसका। तो बटन की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती तो ज़्यादा बेटर होता। बिल्ड क्वालिटी में मुझे अगर इसे रेटिंग देनी हो तो मैं इसे 3 out of 5 दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बटन वगैरह थोड़े इम्प्रूव हो सकते थे और साथ में ये कुशन जो है बड़ी आसानी से बाहर आ जा रहा है जो कि अपने आप में इसको काफ़ी अजीब सा बनाता है। और अब बारी आती है दूसरी कैटेगरी की, जिसमें हम ये पता करेंगे कि इसकी कॉल क्वालिटी और कनेक्टिविटी वगैरह कैसी है, कितना रेंज है और ये सब कुछ हम इसके बारे में जानेंगे। इसको पावर ऑन करने के लिए हमें इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना होगा और जैसे ही पावर ऑन होगा इसमें एक इंडिकेशन आएगा और साथ में पावर ऑन मोड करके ऐसा इसमें बोलेगा और साथ में ये ब्लू कलर की लाइट यहाँ पर ब्लिंक होने लगेगी। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है इसलिए ये रेड कर रहा है और इस तरह से ये डिस्कवरेबल हो चुका है। तो अभी इसे हम कनेक्ट करते हैं फ़ोन में। तो मैंने अपने ब्लूटूथ को ऑन कर लिया और अभी मैं गया पेयर न्यू डिवाइसेस और यहाँ पर मेरे पास बोल्ट ऑडियो प्रो बेस करके ये आ गया है और अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये इस तरह से कुछ पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हो अभी इस तरह से जो है मैं इसे पेयर कर सकता हूँ और इसमें आ गया ऐसा वॉइस करके कि ये कनेक्टेड है। एक अच्छी बात मुझे ये लगी इसमें, अगर आप यहाँ गौर करके देखो तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज भी दिखाता है, ऐसा करके आता है कि एक्टिव लिखा हुआ और 50% बैटरी इसमें अभी बची हुई है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आपको बैटरी जो है लाइव आपको देखने को मिल सकती है आपके इवन फ़ोन में। अगर ऐसे आप नोटिफिकेशन पैनल को भी ओपन करते हो तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज इसका ब्लूटूथ हेडफोन का भी दिखा रहा है। तो इस तरह से आप मॉनिटर कर सकते हो कि इसमें कितनी बैटरी अभी बची हुई है। अब इसमें हम कोई सॉन्ग प्ले करके देखते हैं कि सॉन्ग कैसा बजता है, बशर्ते आप इसको जो है आप कन्फर्मेशन मत मांगो कि ये बहुत अच्छा बजेगा या नहीं बजेगा, वो मैं फाइनल वर्डिक्ट में बताऊँगा। बशर्ते यहाँ पर आपके लिए बस थोड़ा सा मैं सैम्पल बताता हूँ कि कैसा बजता है। मैं अपने माइक को इसके बीच में रखता हूँ आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा जो है साउंड आ रहा है इसमें। और अब आप नोटिस करना इसकी साउंड, ये मैंने इसको फुल वॉल्यूम पे रखा हुआ है अभी और आप देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा ही बेहतर है। मैंने माइक काफ़ी दूर रख के रखा हुआ है अपने मुंह के पास, फिर भी मैं इसके सॉन्ग्स को सुन सकता हूँ काफ़ी दूर से। मुझे लगता है कि मैं इसको एज ए स्पीकर भी यूज़ करने वाला हूँ अपने डेस्क पे। एक और भी हम इसमें टेस्टिंग कर लेते हैं, अगर मैं फिर से ब्लूटूथ ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो कितना टाइम लगता है इसको कनेक्ट होने में। मैं माइक को पास में रखता हूँ, और इस तरह से इतना टाइम लगा मुझे इसको कनेक्ट करने में। मैं एक चीज़ और करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि अगर हम ब्लूटूथ से कनेक्टेड हैं और हमें नेक्स्ट या फॉरवर्ड करना है तो कैसे करेंगे। अभी मैं वॉल्यूम को थोड़ा डाउन करता हूँ, आप देख सकते हो कि फ़ोन में ऑटोमेटिकली जो है वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है। और नेक्स्ट करने के लिए हमें प्लस के बटन को थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा और ये नेक्स्ट हो गया सॉन्ग और इससे हमें प्ले पॉज कर सकते हैं हम। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हो तो ये पावर ऑफ हो जाएगा और फिर से पावर ऑन करने के बाद इसको कितना टाइम लगता है कनेक्ट होने में। Connected.
तो ऑलमोस्ट 15 सेकेंड से 20 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो। और अब इसकी टेस्टिंग हम करते हैं ऑक्स केबल पर। मैं अभी अपने ब्लूटूथ को ऑफ करता हूँ, मैं इसकी ऑक्स केबल पर ओपन कर रहा हूँ और अब ऑक्स केबल से हम थोड़ा इसे चेक करेंगे। ऑक्स केबल लगाते ही आप देखो यहाँ पर ये ब्लिंक होना बंद हो गया है। इस केस में क्या है कि आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं है, अभी स्पीकर को पावर ऑन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरी की पूरी तरह जो है ऑफलाइन मोड में, बिना पावर ऑन किए हुए, और जब आपकी बैटरी वगैरह ख़त्म हो गई है उस केस में भी म्यूज़िक इंजॉय कर सकते हो। और साउंड लेवल में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, ऑक्स केबल पे भी साउंड उतनी ही अच्छी है, इवन बेटर है ब्लूटूथ वाले से, काफ़ी लाउड है। अभी आप देखो माइक यहाँ पर है और इतनी दूर से आवाज़ आ रही है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अभी आप अगर बैटरी वगैरह आपकी ख़त्म हो चुकी है तो आप ऑक्स केबल से कनेक्ट करके म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हो। कनेक्टिविटी वाइज और कॉल क्वालिटी वाइज अगर मुझे इसे रेटिंग देनी हो तो मैं इसे दूंगा 4.5 out of 5, क्योंकि मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर है और साथ में ही आपको पावर ऑन पावर ऑफ कनेक्टेड ऐसे करके वॉइस स्पीच इस पे मिलती है जिससे आप ये जान सकते हो कि कैसा रहेगा। और अच्छी बात ये भी है अगर आपकी बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी है तो उस केस में भी आप ऑक्स केबल को यहाँ पर इंसर्ट करके बड़ी अच्छे तरीके से म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हो, इवन जब बैटरी ख़त्म हो गई है उस केस में भी। और अब थर्ड कैटेगरी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी हेडफोन के लिए, वो है म्यूज़िक क्वालिटी। कैसी है इसकी म्यूज़िक क्वालिटी? और इस मामले में मुझे लगता है कि कोई भी हेडफोन ब्लूटूथ का जो है 1200 रुपए के बजट के अंदर में इतनी अच्छी म्यूज़िक क्वालिटी नहीं दे सकता है, क्योंकि मुझे इसकी म्यूज़िक क्वालिटी ना माइंड ब्लोइंग लगी है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो है एक्सीलेंट बेस। आपको अगर बेस चाहिए ना, काफ़ी ज़्यादा पंचियर बेस इसमें अवेलेबल है, आपको देखने को मिलेगा। और साथ में जो है साउंड में डेप्थ आती है ना, काफ़ी बढ़िया सी आती है, ऐसा लगता है कि सराउंड इन्वायरमेंट जो है काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको। नॉइस कैंसलेशन ऐसे देखने को भी काफ़ी बेहतर मिलता है कुशन वगैरह की अच्छे होने की वजह से। तो उस केस में क्या आपका टोटल ओवरऑल म्यूज़िक लिसनिंग एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ही बेहतरीन बन जाता है इस हेडफोन के साथ। इसको मैंने तरह तरह के म्यूज़िक जॉनर पे टेस्ट किया और ये पाया कि अगर आप म्यूज़िक में जो है रॉक सॉन्ग्स वगैरह पसंद करते हो तो उसके लिए मैं ये हेडफोन रिकमेंड नहीं करता हूँ, अगर आपको इंग्लिश में रॉक सॉन्ग्स वगैरह पसंद है। क्योंकि क्या होता है कि रॉक सॉन्ग्स में यूजली मेटालिक गिटार वगैरह काफ़ी बजते हैं, इंस्ट्रूमेंट उस टाइप के, और उस केस में क्या है कि इसका बेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा जो है उसमें लैगिंग ये मुझे लगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप हर समय ऐसे रॉक सॉन्ग्स वगैरह तो नहीं सुनते होगे, आप सुनते हो यूजुअली पॉप एंड हिप हॉप सॉन्ग्स या फिर अपने बॉलीवुड के सॉन्ग्स। तो उस केस में मुझे लगता है कि ना इसको कोई बीट नहीं कर सकता, इसमें जो बीट्स आपको सुनने को मिलेगी ना एक एक म्यूज़िक क्वालिटी की वजह से वो बहुत ही अच्छी है, एक्सीलेंट है ऑलमोस्ट 1200 के बजट में। और साथ में मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की इस हेडफोन में कि अगर आप ये ऑक्स केबल जो साथ में मिला था इसमें, इसके साथ अगर आप म्यूज़िक सुनते हो ना तो ये और भी अच्छा बन जाता है। इसकी जो म्यूज़िक क्वालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उस केस में। और मुझे लगता है ना 1200 के हिसाब से उसमें अगर आप देखो तो इसकी म्यूज़िक क्वालिटी आउट परफॉर्मेंस है बिल्कुल। और अब सबसे लास्ट पॉइंट कि कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन अगर आप खरीदते हो तो बैटरी लाइफ का होना बहुत ही ज़रूरी है। कंपनी की तरफ से इसमें ऐसा क्लेम है कि 10 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिलता है इस हेडफोन में, लेकिन मेरे टेस्टिंग सिनेरियोज में ये ऑलमोस्ट 9+ आवर्स का मुझे बैटरी लाइफ दिया है। और मुझे लगता है कि मैंने जो टेस्टिंग वगैरह की थी वो ऑलमोस्ट 100% वॉल्यूम पर टेस्टिंग की थी, ऐसा मैं इसको ऑलमोस्ट मैंने चलाकर 100% वॉल्यूम पे छोड़ दिया था। ऑलमोस्ट 9+ आवर्स का बैटरी लाइफ 100% वॉल्यूम पे भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप एक्सट्रीमली ऐसे सुनोगे भी नहीं। अगर इस तरह से देखा जाए तो हम यूजुअली 60-70% वॉल्यूम पे ज़्यादा गाने सुनना पसंद करते हैं। उस केस में क्या होता है कि हमारी कानों को भी कम्फर्ट होता है, ऐसा नहीं कि आप 100% वॉल्यूम पे हमेशा सुन रहे हो कोई चीज़। और उस केस में क्या होता है कि मुझे लगता है ना
कि बैटरी लाइफ को भी कंसीडर करते हुए, कि 1200 के बजट को देखते हुए ये बहुत ही अच्छा हेडफोन बनता है आपके लिए। तो अब बढ़ते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ और जानते हैं कि कैसा है ये ओवरऑल, 1200 के बजट में आपको ये हेडफोन ब्लूटूथ वाला खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं इसे टोटल जो स्टार रेटिंग दूंगा वो दूंगा 4 out of 5। आपको मैंडेटरी खरीदना ही चाहिए अगर आप एक अच्छा म्यूज़िक ढूंढ रहे हो। आपको 1200 के बजट में इससे अच्छा म्यूज़िक लिस्निंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा, और साथ में बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी थोड़ी डाउन है, इसलिए मैं इसको जो है 4.5 तक का स्टार नहीं देना चाहा, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती ना तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन फिलहाल उसको अगर हम इग्नोर करें, आपका हेडफोन का जो मेन पर्पस म्यूज़िक क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा है, सॉलिड है, और एक बहुत ही लॉन्ग बैटरी लाइफ है ऑलमोस्ट 10 आवर्स की, और जो कि काफ़ी अच्छा बनाता है इसको अपने आप में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्यों नहीं पसंद आए। और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करो जिनको एक ब्लूटूथ हेडफोन खरीदने की ज़रूरत है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस आप देख सको। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक के साथ।